काशी शब्द का सीधा अर्थ है रोशन होना, या ज्यादा सटीक अर्थ है रोशनी की मीनार, लाइट का टावर। तो ये प्रकाश स्तंभ काशी का प्रतीक है, क्योंकि ये एक मशीन है, ये एक यंत्र है, ये ब्रह्मांड को आपके पास लाने का एक ब्रह्मांडीय प्रयास है। काशी एक कोशिश है। सूक्ष्म जगत और बाहरी जगत, सीमित और असीमित, और भौतिकता व ब्रह्मांड के असीम आयाम का मिलन कराने की। मुक्ति यानी मोक्ष। तो मुक्ति का मूल अर्थ है खुद से मुक्त हो जाना, क्योंकि आप अपने जीवन की इकलौती परेशानी है। काशी में होने का महत्व, काशी शब्द का सीधा अर्थ है रोशन होना, या ज्यादा सटीक अर्थ है रोशनी की मीनार। आपने वो कहानी सुनी है कि कैसे शिव ने कुछ जोड़ तोड़ करने के लिए पार्वती से अपनी बालियां गिराने के लिए कहा था, एंड शी ड्रॉप्ड, और उनकी बालियां गिरकर धरती में चली गई। विष्णु स्त्रियों के चहेते हैं, हां उन्हें सभ्य और शिष्ट होना ही है। शिव तो ऐसे हैं, विष्णु को अपनी शिष्टता दिखानी है। तो विष्णु बाली लेने उतर गए। जैसे जैसे वो गहरा और गहरा और गहरा खोदते गए, उन्हें इस परिश्रम से इतना पसीना आया, वो एक कुंड में इकट्ठा हो गया जो मणिकर्णिका बन गया। मणिकर्णिका असल में एक कुंड था। उसके किनारे लोग अंतिम संस्कार भी करते थे। तो ये कुंड नदी में विलीन हो गया। कहा जाता है कि जब मणिकर्णिका कुंड बना था तब गंगा नहीं थी। गंगा बाद में आई। जब गंगा आई तो कुंड गंगा में विलीन हो गया। जब उन्होंने ऊपर देखा तो शिव प्रकाश के टावर की तरह लग रहे थे। हमें यह समझना चाहिए कि आपने कभी एक शक्तिशाली टॉर्च आकाश की तरफ मोड़ी है? आपने कम से कम रात में कोशिश की, आपने रोशनी का एक टावर ऊपर जाते देखा? अगर टॉर्च शक्तिशाली है, आपको नहीं पता उसका अंत कहां है। वाकई उसका कोई अंत नहीं जानता। ऐसा लगा कि वो रोशनी अनंत है। तो ये रोशनी बस ऊपर बढ़ती गई बिना किसी रुकावट के। सो दिस बीम ऑफ लाइट इज द सिंबोलिज्म ऑफ काशी, बिकॉज इट इज अ मशीन, इट इज अ यंत्र क्रिएटेड। It's a cosmogonic effort. तो ये प्रकाश स्तंभ काशी का प्रतीक है, क्योंकि ये एक मशीन है, ये एक यंत्र है, ये ब्रह्मांड को आपके पास लाने की एक ब्रह्मांडीय कोशिश है। क्योंकि ये सौभाग्य है कि इस ब्रह्मांड का हर छोटा कण, एक परमाणु से लेकर अमीबा तक, एक कोशिका वाले जंतु तक, और ब्रह्मांड की बाकी सभी चीजें, और इस पूरे ब्रह्मांड का डिजाइन मूल रूप से एक ही है। काशी एक कोशिश है। सूक्ष्म जगत और बाहरी जगत, सीमित और असीमित, और भौतिकता व ब्रह्मांड के असीम आयामों का मिलन कराने की। ऐसा नहीं है कि हमें मिलन करवाना होगा, सब कुछ जुड़ा हुआ ही है। अभी हमारा हर काम बस जीवित रहने के लिए, हमें इससे परे जाकर और खुद को एक नई दिशा देकर अस्तित्व को देखना होगा। इसके लिए साधन जरूरी हैं। अगर आप ब्रह्मांड की प्रकृति को जान जाते हैं तो अचानक आपके काम करने का तरीका और आपका इस ब्रह्मांड के साथ संबंध पूरी तरह से बदल जाता है। क्या इसके लिए काशी जाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। पर देखिए, आप कहीं भी सेहतमंद हो सकते हैं, पर कई लोग बीमार होने पर अस्पताल जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है
जहाँ कुछ साधन, सुविधाएं, दवाएं और एक्सपर्टीज एक ही स्थान पर उपलब्ध होते हैं। तो काशी भी एक ऐसी जगह है जहाँ एक पूरी व्यवस्था थी, जहाँ ज्ञान था, जहाँ सिस्टम थे, जहाँ तरीके थे, अलग अलग तरह की क्षमताएं थीं, सब कुछ। एक समय था जब वहाँ हर तरह के विशेषज्ञ रहते थे। मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने शरीर की सीमाओं को जानना। आप कल पैदा हुए थे और कल दफन हो जाएंगे। जीने के लिए बस आज का दिन है, यही अस्तित्व की प्रकृति है। और इससे पहले कि मृत्यु आ जाए, जीवन खिलना चाहिए। तो हर संभव तरीका जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने इसे पूरे देश में स्थापित किया था। ऐसे कई तंत्र हैं, उनमें से अधिकांश दुर्भाग्य से टूट गए हैं, जिनमें यह भी शामिल है जो काफी हद तक भंग हो चुका है, पर इसका ऊर्जा वाला हिस्सा आज भी मौजूद है। यह पूरी तरह नहीं, पर ठीक ठाक जीवित है। क्योंकि हम जब भी ऐसे स्थानों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ध्यानलिंग भी ऐसा ही है, ऊर्जा उसकी बनावट में नहीं है, बनावट बस एक मचान है। काशी के बारे में आम तौर पर कहा जाता है, पौराणिक कथा में कहा जाता है, काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है, न कि जमीन पर। मैं अपने अनुभव में जो भी देख रहा हूं, उसके हिसाब से काशी की असली बनावट जमीन से करीबन 33 फीट ऊपर है। अगर हम में कोई समझ होती तो हमें 33 फीट से ऊपर कुछ भी नहीं बनाना चाहिए था। But we have. पर समझ की हमेशा कमी रही है। हाँ, दुनिया में इस चीज की हमेशा कमी रही है। और मेरे ज्यामितीय हिसाब से ये 72,000 या 7,200 फीट तक ऊंची हो सकती है। ऊर्जा की बनावट ऐसे बनाई गई है, तो इसीलिए उन्होंने इसे प्रकाश स्तंभ कहा, क्योंकि जो देख सकते थे उन्होंने देखा कि ये एक बहुत ऊंचा ढांचा है। And it did not stop there, it gave you access to what is beyond. The idea is. और ये कहीं नहीं रुकता, इसने आपको परे की चीज तक पहुंच दी। इसका लक्ष्य है कुछ ऐसा बनाना जो एक इंसान अपने भीतर एक संगठित सिस्टम की मदद से हासिल कर सकता है। सिस्टम जो हजारों वर्ष के कई कई लोगों के आत्मज्ञान के सार तत्व से तैयार हुआ है। अगर आपको चीजें खुद महसूस करनी हैं, तो ये पहिए का फिर से आविष्कार करने जैसा है। आपको गैर जरूरी रूप से दर्दनाक प्रक्रियाएं झेलनी पड़ेंगी। पर अगर आपको दूसरे के ज्ञान की मदद से महसूस करना है, तो आप में विनम्रता होनी चाहिए, आपको झुककर वहां पहुंचना होगा। इसलिए ये व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि काफी लोगों को ले जाया जा सके। तो लोग आए और उन्होंने हर तरह के तरीके और तंत्र स्थापित किए। Well, एक समय था जब 26,000 से अधिक मंदिर थे। हर एक में एक उसका अपना तरीका था जिससे मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन 26,000 मंदिरों से जुड़े छोटे छोटे मंदिर विकसित हो गए, यानी मंदिर के कई कोण अपने आप में छोटे छोटे मंदिर बन गए। और एक समय था जब यहाँ 72,000 मंदिर थे। Shrines at one time, when it's in full glory, 72,000 shrines across this mechanism called Kashi. जब ये शहर पूरे वैभव में था, तब इस पूरे काशी तंत्र में 72,000 तीर्थ स्थल थे। और ये रातों रात नहीं हुआ, बुनियादी बनावट एक अवधि में हुई, कोई नहीं जानता कि कब। कहते हैं कि सुनीरा भी यहाँ कुछ ढूंढते हुए आए थे। सुनीरा को 40,000 साल पुराना माना जाता है। तब तक ये एक फलता फूलता शहर बन चुका था। मार्क ट्वेन इसका इतिहास समझाते हुए कहते हैं कि ये शहर कथाओं से भी पुराना है। प्राचीनता की बात करें तो कोई नहीं जानता कि वाकई कितना पुराना। शिव यहां आए थे क्योंकि ये शहर इतना सुंदर था और वो आना चाहते थे। तो उनके आने से पहले से ही ये एक जबरदस्त शहर था। लगभग 2 साल पहले यहां वहां मंदिरों की 3 परतों की खोज हुई है, जो सब लंबे समय से बंद थे,
यानी कि ये शहर समय के साथ जमीन में समा चुका है और बार बार एक शहर पर फिर से एक और शहर बसाया गया है। इस शहर की 3 से 5 परतें हैं, क्योंकि समय के साथ पृथ्वी रिसाइकल होती है। इसे लगातार 6-7 सदियों से तबाह किया जा रहा है, उसके बावजूद अगर आप थोड़े संवेदनशील हैं तो ये एक शानदार जगह है। क्या हम इसकी महिमा को पूरी तरह स्थापित कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। एक बात यह है कि यहां बहुत अधिक अशांति हुई है, दूसरी बात यह है कि इसे वापस बनाना बड़े बड़े सपने देखने जैसा होगा। यह कई बार तबाह हो चुका है, पर क्योंकि काशी का ऊर्जा शरीर जमीन से 33 फीट ऊपर था, इसलिए यह आज भी जीवित है। कुछ टूट फूट हुई है, काफी नुकसान हुआ है, पर काशी आज भी जबरदस्त है। क्योंकि अगर आप इसे ऐसे देखना चाहते हैं, यह समझाने का एक तरीका है कि यह 72,000 ऊर्जा के कमरों वाला एक घर है, जिसमें 3,000 से ज्यादा ऊर्जा के कमरे जीवित हैं। जीवन के हर आयाम के लिए, मनुष्य के हर गुण के लिए उन्होंने एक लिंग बनाया था। ये मंदिर इस तरह बनाए गए थे, हर पहलू के लिए एक लिंग, कुछ भयंकर, कुछ समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले, कुछ हर सामाजिक स्वीकृति से परे, हर तरह की चीजें एक साथ मौजूद थीं। किसी को किसी भी चीज में कुछ गलत नहीं दिखा, लोग जो चाहे कर सकते थे, जब तक कि वो मुक्ति की तलाश में थे। अगर वो मुक्ति की तलाश में थे और वो इसे लेकर ईमानदार थे, तो वो जो चाहे कर सकते थे। That is how significant mukti was considered to be. मुक्ति को इतना महत्वपूर्ण माना जाता था। आपको इसी जीवन में मुक्त होना चाहिए। तो मुक्ति पाने की पूरी प्रक्रिया का आधार यही है कि वो एक चीज की सफाई करना चाहते हैं, जिसे वो कर्म कहते हैं। A cloud of memory and imagination. कर्म यानी यादों और कल्पनाओं का एक बादल, जो आपको धोखे से कई झूठी चीजों पर विश्वास दिलाता है जो सच नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ आपके पास बस एक ही चीज है, जीवन। बाकी सब आपकी कल्पना है, मुक्ति यानी मोक्ष। तो मुक्ति का मूल अर्थ है खुद से मुक्त हो जाना, क्योंकि आप अपने जीवन की इकलौती परेशानी हैं।